आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि वो लेकर आई हूँ। आपने मेरी पिछली वाली वीडियो तो ज़रूर देखी होगी, जिसके अंदर मैंने आपको लो बीपी होने पर हमें कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो प्रेस करने चाहिए, स्टिमुलेट करने चाहिए, जिससे हमारा लो बीपी है वो काफ़ी हद तक है जो कि कंट्रोल आ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका जो लो बीपी है वो काफ़ी हद तक मतलब ज़्यादा ही हो चुका है, तो आपको डॉक्टर की सलाह भी ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन साथ साथ आप अगर ये भी करोगे तो आपका जो लो बीपी है वो जल्दी ही कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन आज मैं आपको है जो कि लो बीपी होने पर हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आयुर्वेद के अंदर क्या होता है कि जैसे कि अगर हम अपने हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है कि अगर हम उनको प्रेस करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वह काफ़ी हद तक है जो कि वो हेल्दी हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं आपके साथ है जो कि मैंने काफ़ी तो एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके साथ शेयर कर लिया, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको भी मैं धीरे धीरे है जो कि वो कवर कर लूँगी। लेकिन आज दोस्तों, मैं आपको प्रेशर पॉइंट की नहीं बल्कि हमें जब लो बीपी हो जाता है तो हमें क्या खाना चाहिए उसके बारे में आपके साथ है जो कि डिस्कस करूँगी। क्योंकि जैसे कि क्या होता है कि अगर आपका बीपी बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो हमारे जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से भी हमारा जो लो बीपी होता है वो काफ़ी हद तक है जो कि वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि अगर आपका लो बीपी हो जाता है तो आपको कॉफ़ी का है जो कि वो सेवन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगता है इनका तो आप इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्या है कि आपको और भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन आप जैसे कि कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं, काफ़ी हद तक है जो कि इसका बेनिफिट मिलता है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी का जैसे लो प्रेशर हो जाता है वो काफ़ी हद तक इससे मेंटेन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं अपना बता देती हूँ, जब मेरा बीपी है जो कि वो लो होता है तो मैं जैसे कि कुछ भी मीठा खा लेती हूँ। मीठा खाने से भी मेरा जो लो बीपी होता है वो ठीक हो जाता है। जैसे कि मैं चॉकलेट वगैरह खा लेती हूँ तो उससे मेरा जो बीपी होता है वो नॉर्मल हो जाता है, अगर मतलब थोड़ा बहुत लो हो तो। और नेक्स्ट आप है जैसे कि जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनका भी सेवन है जो कि आप कर सकते हैं, उससे भी आपका जो लो बीपी होता है वो काफ़ी हद तक जो कि मेंटेन हो जाता है, ठीक हो जाता है। और नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि अगर आपका लो बीपी होता है तो लो बीपी के अंदर हम थोड़ा तेज नमक खाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो लो बीपी होता है वो भी मेंटेन हो जाता है, काफ़ी हद तक है जो कि इम्प्रूवमेंट हो जाती है, हमारे बीपी को कंट्रोल कर लेता है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा तेज नमक डालकर उसका सेवन कर सकते हैं, इससे आपका जो लो बीपी है वो काफ़ी हद तक है ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।